के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम डुमरियागंज क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत सिकाहरा के आमी नदी पर जाने वाले हैं। डुमरियागंज के बहुत सारे लोग आमी नदी के बारे में नहीं जानते हैं, तो अगर आप जानते हैं तब भी और नहीं जानते हैं तब भी वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बेल जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, आमी नदी के बारे में एक और चीज आप लोग को बता दूं, ये आमी नदी जो है उसका उद्गम स्थल भी हमारे ग्राम पंचायत सिकाहरा में ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आमी नदी पर चलते हैं और वहाँ का नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहचान ना महाल था सोलो की शकल का, हम आग से बचे थे पानी से जल गए। दोस्तों, शायर ने जब ये शायरी कागज़ पर उतारी होगी तो शायद ही उसके जहन में आमी नदी के प्रदूषण का जिक्र आया होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आज हम इस शायरी को कहें तो ये आमी नदी पर बिल्कुल फिट आती है। आमी नदी जिसका पानी कभी चांदी की तरह चमकता था, आज उसका पानी बिल्कुल नाले की तरह हो गया है। दोस्तों, ये आमी नदी का उद्गम स्थल है सिकाहरा में, और ये यहाँ से निकल कर के संत कबीर नगर से होते हुए गोरखपुर में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, ये नदी करीब 102 किलोमीटर लंबी है और मगहर भी इसी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, कबीर के दोहों में भी इस नदी का जिक्र मिलता है। अगर इस नदी के बारे में हम छोटे शब्दों में एक और शायरी कहें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि चंचलता नदी सी मुझ में भी है, एक अनकही बिलकता मुझ में भी है। मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी हुई, मगर एक समंदर मचलता मुझ में भी है। अब दोस्तों, आप इस नदी के सीन का लुत्फ लीजिए। Audio Jungle.